गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द फर्स्ट चैप्टर मोर अबाउट कंप्यूटर. सो इन दिस चैप्टर यू विल फोकस ऑन इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर लैंग्वेज एंड कंप्यूटर कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन. टुडे द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन एट इट्स पीक and computers are used in large varieties of areas of work. We show the classification of computer as per their generation. You know students, कि computer का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है. जैसे जैसे generation बदल रहा है वैसे वैसे computer का develop हो रहा है. हर field में, हर जगहों पर computer का use हो रहा है. जैसे कि आप जानते हो कि school में, bank में, railway station पर और दुकानों पे कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है. नाउ विल बी टीच अबाउट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर कैन बी जनरली क्लासिफाइड बाय साइज एंड पावर एंड कैन बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज. फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड मिनी कंप्यूटर, थर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर, फोर्थ सुपर कंप्यूटर्स. बेटा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज पावर होता है, जो कि आपने अभी सुना, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर. और एक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन वर्क होता है, जो आप जानते हो, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर. बट अभी आपके सिलेबस में इन दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन साइज एंड पावर. फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर साइज में स्मॉल होता है और ऐसे नॉर्मली हर जगहों पर माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है. माइक्रो कंप्यूटर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलके बना होता है. अब हम कुछ माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट होम कंप्यूटर. होम कंप्यूटर भी एक माइक्रो कंप्यूटर है जिसका यूज़ हम घर के कामों के लिए करते हैं, जैसे लोगों का कॉन्टैक्ट सेव करना, नोट्स बनाना, सामान की लिस्ट बनाना, इन सब के लिए हम होम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. एंड सेकेंड, लैपटॉप कंप्यूटर. अ लैपटॉप कंप्यूटर इज़ अ माइक्रो कंप्यूटर इज़ डिज़ाइन टू यूज़ वाइल ट्रेवलिंग. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कंप्यूटर इज़ कॉम्पैक्टनेस, द साइज एंड लाइट वेट. लैपटॉप कंप्यूटर एक माइक्रो कंप्यूटर है. लैपटॉप कंप्यूटर पोर्टेबल होता है, इसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं. बच्चों आप जानते हो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर एक जगह पे फिक्स होता है, उसे हम कहीं ले जा नहीं सकते. इसलिए हमारे वर्क को ईजी करने के लिए लैपटॉप का डेवलप हुआ. एंड नेक्स्ट है वर्क स्टेशन. अ पावरफुल सिंगल यूजर कंप्यूटर, अ वर्क स्टेशन हैज़ अ पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर एंड इन जनरल अ हायर क्वालिटी मॉनिटर. वर्क स्टेशन कंप्यूटर सिंगल यूजर कंप्यूटर है. यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्क स्टेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है. यू नो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. वर्क स्टेशन कंप्यूटर बिजनेस में किया जाता है, बिजनेस में यूज़ किया जाता है इसका, जैसे कि इंजीनियर यूज़ करते हैं ग्राफिक्स बनाने के लिए, आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं. इसका माइक्रो प्रोसेसर पावरफुल होता है और इसकी स्पीड मोर पावरफुल होती है. एंड नेक्स्ट है आपका पर्सनल कंप्यूटर. पर्सनल कंप्यूटर और पीसी इज़ ए स्मॉल सिंगल यूज़र कंप्यूटर बेस्ड ऑन अ लेस पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर एज कंपेयर टू वर्क स्टेशन. यू नो स्टूडेंट कि पर्सनल कंप्यूटर मीन्स पर्सनल, मतलब नाम से ही पता चलता है कि पर्सनल यूज़ के लिए है ये. तो पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ हम पर्सनली करते हैं. ये एक सिंगल यूज़र होता है जिस पे हम कुछ घर का वर्क करते हैं या फिर ऑफिस का वर्क करते हैं या छोटी कंपनी में पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ होता है. एंड नेक्स्ट है मोबाइल हैंड होल्ड कंप्यूटर. अ मोबाइल और हैंड होल्ड कंप्यूटर इज़ मच स्मॉलर दैन अ स्टैंडर्ड लैपटॉप कंप्यूटर.
which the user can easily carry with them. Mobile devices do not need an external power supply to work. Usually, they have a battery to hold electricity to work without electricity wires. You know, students, कि मोबाइल का यूज़ हम बात करने के लिए करते हैं या जो भी कहीं भी है उसे वीडियो कॉलिंग या वॉइस कॉल इसके लिए यूज़ करते हैं. मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है. यू नो स्टूडेंट्स कि मोबाइल लाइफ का एक पार्ट हो गया है. मोबाइल से ही हम बहुत सा डेली वर्क करते हैं. जैसे जानते ही हो कि छोटे छोटे कामों में भी मोबाइल का यूज़ होता है. हम कुछ ज़रूरत पड़ती है तो फ़ोन करते हैं कहीं, या नेट पे कुछ फाइंड करते हैं. जैसे कि अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हैं मोबाइल से ही. सो मोबाइल का यूज़ आप जानते ही हो कि कितना इम्पोर्टेंट है और क्या क्या है. और मोबाइल का यूज़, मोबाइल में एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये बैटरी से वर्क करता है. बैटरी इलेक्ट्रिसिटी को होल्ड कर लेती है और हम विदाउट वायर के यूज़ करते हैं, जैसे पीडीए, पॉम टॉप एंड स्मार्टफोन. नेक्स्ट पॉइंट है गेम कंसोल्स. अ वीडियो गेम कंसोल इज़ अ कंप्यूटर डिवाइस दैट आउटपुट अ वीडियो सिग्नल्स और विजुअल इमेज टू डिस्प्ले अ वीडियो गेम दैट वन और मोर पीपल कैन प्ले. यू नो कि गेम कंसोल डिवाइस से हम वीडियो गेम खेलते हैं, जिसे टेलीविज़न पे वीडियो सिग्नल्स और विजुअल इमेज डिस्प्ले होता है, जिससे एक या एक से ज़्यादा लोग वीडियो गेम को प्ले कर सकते हैं. नेक्स्ट है एम्बेडेड कंप्यूटर्स. दिस कंप्यूटर आर इन द फॉर्म ऑफ टीनी चिप्स इंस्टॉल इन अप्लायंसेस लाइक वॉशिंग मशीन, रिस्ट वॉच. Embedded computer are programmed for a specific task such as keeping accurate time. Embedded computer. Students, embedded computer system एक dedicated computer system है जिसे सिर्फ एक particular task के लिए design किया गया. एक embedded system software और hardware का combination होता है. जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एम्बेडेड का अर्थ है कि कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है. एक हार्डवेयर सिस्टम से सॉफ्टवेयर जुड़ा हुआ है तो ये एम्बेडेड है. जैसे वॉशिंग मशीन, रिस्ट वॉच. वॉशिंग मशीन में टाइम सेट होता है जो सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है. नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर. A multi-user computer which is capable of supporting up to hundreds of users. They are bigger in size than microcomputers. They have a higher processing speed and can be used by several users at a time. Students, mini computer microcomputer से बड़े होते हैं. इसकी storage capacity ज़्यादा होती है. Mini computer single user computer होता है. इस computer का use स्कैनिंग और प्रिंटिंग के काम में किया जाता है. एंड नेक्स्ट आपका है मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेयर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा नीड्स टू बी हैंडल. दीज आर बिग पावरफुल एंड एक्सपेंसिव सिस्टम्स. दिस कंप्यूटर आर यूजफुल इन एरियाज लाइक बैंक, एयरलाइन एंड गवर्नमेंट सेक्टर. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सुपर है, तो यस, सुपर कंप्यूटर इज़ वेरी पावरफुल कंप्यूटर एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर एक सेकेंड में 1 अरब कैलकुलेशन कर सकता है. ये बड़े बड़े वर्क को थोड़े से समय में कर लेता है. स्टूडेंट्स, नॉट टुडेज टॉपिक फिनिश एंड आपको कुछ एक्सरसाइज दिया गया है आपके लिए, जिसे आप नोटबुक पे करोगे और फिर सेंड करोगे. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ वेरियस माइक्रो कंप्यूटर्स. एंड सेकंड क्वेश्चन, राइट वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. एंड थर्ड क्वेश्चन, शॉर्ट नोट ऑन सुपर कंप्यूटर. ओके,